आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आज हम पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखो, किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, राइट? सभी बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं। दे आर दी मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सर्वाधिक सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अब देखो, बैक्टीरिया ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग सभी स्थानों पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सॉरी, 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अपने मुट्ठी भर मिट्टी में भी 100 ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कई सौ बैक्टीरिया होते हैं। दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डीजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। ये मुश्किल से मुश्किल जगह पे भी पाए जाते हैं, जहां पे दूसरे लाइफ फॉर्म, दूसरी जो अदर लाइफ फॉर्म है, वो मुश्किल से ही सर्वाइव हो सकते हैं, वहां पे ये आसानी से सर्वाइव होते हैं। मेनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के भीतर जाकर पैरासाइट्स के रूप में ये रहते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, दी स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप बैसिलस एंड कॉमा शेप विब्रियम एंड दी स्पाइरल स्पाइरेलम। ये जो शेप वाला जो पोर्शन है, ये आप अपने एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दी गई है, उसमें आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें तो पढ़ाने वाला तो कुछ भी नहीं है। कॉमा शेप कौन सा है, कौन से बैक्टीरिया बैसिलस शेप है, रॉड शेप बैसिलस कौन से है, स्पाइरल स्पाइरेलम कौन से है, स्फेरिकल कोकस कौन से है, वो आप अपने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। अब देखो अगला पॉइंट, थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है ना भाई, वो कैसा होता है? सरल होता है, सिंपल होता है। बट उनका जो बिहेवियर होता है वो वेरी कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। वो उनका जो बिहेवियर, उनका जो व्यवहार होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अगला पॉइंट देखो, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दूसरे बैक्टीरिया के कंपेयर में। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, सॉरी, दूसरे जीवों से इनमें मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, इट मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स, इट मीन्स दे डिपेंड ऑन देयर ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ये जो ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने सब डिटेल में पढ़ा दिया है। प्लीज आप वो लेक्चर देख लीजिए अगर आपने नहीं भी देखा तो, और फिर ये बात आपको समझ में आएंगी उसके उसके बाद। सो आई होप जो मैंने इतना पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी की लाइन थी, कुछ नहीं ज्यादा, एनसीईआरटी का ही डाटा था ये। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, चलो बाय बाय।